पानी डाला क्या छिड़के है तुम? नहीं नहीं डाला था, कहाँ छिड़के हैं ये ज़्यादा पानी तो खेल रहा है, लेकिन मैं खेल गया। हेलो फ्रेंड्स, देखिए बारिश आ रही है, शाम का समय है, हमने सारा देखिए पौधों को थोड़ा बारिश पे नहलाया जाए, क्योंकि गर्मी से सारे पौधे मर चुके, बिल्कुल बेजान हो रखे हैं। और इधर गमलों से सब पौधे को हटाया जा रहा है, हटा चुके हैं हम लोग। और बहुत तेज़ बारिश अचानक आई है, पहले तो आंधी तूफान आया बहुत। और ये छत फिर हरा रह रही है। रात के 8:30 बज रहे हैं और देखिए हम लोगों ने पूरे पौधों को बाहर निकाल दिया है। जब भी बारिश आती है तो सारे पौधों को हम लोग ऐसे बारिश में नहलाने के लिए निकाल देते हैं। और देखिए मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ऐसा करने में, लेकिन देखिए जब ये पौधों को मैं अपने अरेंजमेंट करती हूँ या पौधों को गुड़ाई पुड़ाई करती हूँ ना, इनको अपने साथ में लगाऊंगी कि मेरे साथ में हेल्प करो, तो बड़े नानुकुर करते हैं, नखरे दिखाते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो पौधों को सबसे पहले निकालने में ही एक्साइटेड होते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से करते हैं। ये सारा व्यू अब देखिए, रात का समय का सारा व्यू, ये सारे पौधे खुश हो चुके हैं बेचारे गर्मी से बेजान। जितना भी पानी डालो ना नलके का पानी, तो उससे कहीं लाख गुना इस पानी से पौधे खुश होते हैं। कोई ठंडक भी मच गई है। इधर का क्या हाल चाल है, इधर का देखिए ये पौधे सारे खुश। अभी शाम को पानी तो डाला था, पौधों को भी थोड़ा सही है, राहत मिल गई है। हमारा पाम ट्री भी ना गया है, सारे पौधे खुश। तो ये मैंने दिखा दिया आप, बाहर तो सदे की बिजली की आवाज़ आप सब सुन सकते हो, गड़गड़ा हाथ भी बिजली भी चमक रही है। ये हमारा ग्रीन नेट हमने इधर हटा दिया, ग्रीन नेट का जो ये फायदा है ना फोल्डिंग वाला, यही फायदा होता है किसको बरसात आई तो हटा दो, शाम हो गए हटा दो, देख लो बिजली कैसे चमक रही है, आवाज़ सुन सकते हो कैसी बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़। ये हमारा सेल लग गई पौधों की, सेल लग गया हमारे पौधों का। तो सारे पौधों को बारिश का पानी मिल गया है। ऐसे शाम को मैंने इनको अभी पानी तो दे दिया था, वाटरिंग कर दिया था मैंने सारे पौधों में, लेकिन क्या है ना जब ऊपर से भगवान की बारिश होती है तो ये पौधों का जो अलग ही नज़ारा होता है, पौधों के लिए अलग ही पानी होता है ये जो बरसात का पानी है। तो इसलिए जिससे बरसात का पानी मिल रहा है तो इनको भी थोड़े से राहत मिलनी चाहिए, हमें तो गर्मी से राहत मिल रही है। और इन पौधों को भी देखिए, आप देख सकते हो किस तरह से सारे पौधे हमारे खुश हो चुके हैं। तो आई थिंक जो भी गार्डनर्स होंगे वो सारे इसी काम में लग जाते होंगे जब भी बारिश आती होगी अपने पौधों को राहत देने के लिए। देखिए कितने पाम ट्री को भी बाहर ले आए हैं, पाम ट्री भी हमारा बाहर आ चुका है। और इन पौधों को इस तरह से हिलते डुलते देखिए बड़ी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे पौधे खुश हो रहे हैं और मुझसे बातें कर रहे होंगे कि हाँ अच्छा काम किया ही हमें यहाँ पर बारिश में रख करके। तो ऐसा लग रहा है कि सेल लग गया, सेल बाद में सुबह हो फिर सबको स्टैंड में रखना है, तो एक काम तो हमारा बढ़ जाता है।
लेकिन कोई बात नहीं, इस बड़े हुए काम में भी एक अलग ही आनंद आता है। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को भी दिखाऊं जो मैं कर रही हूँ। और देखिए बिजली कैसे से गड़क रही है फ्रेंड्स, मौसम जो बारिश आई इतनी गर्मी के बाद में, देखिए कैसे बिजली गड़बड़ गड़बड़ कर रही है, कितने कुछ आवाज़ किस तरह से आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग भी बाहर से आए हैं तो सही टाइम पे हम लोग अंदर आ गए, नहीं तो हम लोग भी भीग जाते और हमारे पौधे इस बारिश का नज़ारा से भी रह जाते। तो देखिए इस तरह से मेरा गार्डन का व्यू रात का टाइम में सही से भी दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश अपने तरफ से कर रही हूँ कि दिख जाए। बरसात में सारे पौधे नहाते हुए और खुश होते हुए पौधों का ये बारिश का नज़ारा। और स्टैंड पूरा खाली हो चुका है, सारे स्टैंड के पौधे इधर आ चुके हैं नहाने के लिए बारिश का नज़ारा लेते हुए।